एक्साइटेड है हम लोग वृंदावन परिक्रमा के लिए। यहाँ पे शुरू हो गई है वृंदावन परिक्रमा। एक भक्त का चश्मा चुरा लिया है बंदर मार। वेलकम बैक टू नुस्ता मस्ती गाइस। बैक टू नुस्ता मस्ती गाइस। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। अभी हम हैं वृंदावन की पावन धरती पे। आपने पिछले वाले वीडियोस देखे, काफी मजा आया। अभी एक्साइटेड है हम लोग वृंदावन परिक्रमा के लिए। 11 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है पैदल यात्रा। अभी हम लोग वॉक करके करने वाले हैं। अब प्रभु बताएंगे कि मतलब चप्पल पहनकर करना है या बिना चप्पल के करना है। आपको नहीं जम रहा है चप्पल खत भी कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे जाना है। कुछ लोगों को ज्यादा नहीं जमता है तो वो लोग गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, ऑटो। और ये तो 11 किलोमीटर की सिर्फ वृंदावन परिक्रमा है। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होने वाली है और वो भी हम करने वाले हैं। वीडियोस आएंगे, काफी मजा आएगा। अब ऐसा है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है कुछ पता नहीं है। आगे हम जा रहे हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के गेट पे। वहाँ पे सभी लोग हमारा कर रहे हैं इंतजार। अभी हम भी जाके लोगों का इंतजार करेंगे, सब एकत्रित होंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे परिक्रमा। टोटो से उतरने के बाद हम जा रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। वहां से हमारी शुरू होगी 11 किलोमीटर की परिक्रमा। परिक्रमा कंप्लीट होने के बाद हम वापस से उसी स्पॉट आएंगे और जाएंगे इस्कॉन वृंदावन मतलब कृष्ण बलराम मंदिर। तो ये पुलिस चौकी के पास हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले सब लोग करेंगे दंडवत, उसके बाद हम यहाँ पानी पियेंगे और यहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो प्रभु एक्साइटेड? यस। 11 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हैं? यस यस एकदम मजे ले। हरी बोल हरी बोल। यहाँ पे शुरू हो गई है वृंदावन परिक्रमा और यहाँ पे काफी सारे बंदर हैं, तो समझदारी से हमें देखना है। बिकॉज अभी हमें मिला है सूचना के यहाँ बंदर सब सामान लेके भाग जाते हैं। सही बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए कृष्णा का नाम है मदन मोहन, जो मदन को मोह लेते हैं। अब यहाँ से अगला स्पॉट थोड़ी दूर पे है तो इसलिए हम लोग स्लो कीर्तन कर रहे हैं। इस पेड़ की क्या खास बात है? इस पेड़ का खास बात यह है कि कालिया नाग को मारने के लिए इस पेड़ को पूजा जा रहा है। यही रिपेयर करेगा। अरे सो जाओ, क्यों उठ रहे हो, ठंडी है अभी, ये कोई उठने का वक्त होता है, ये कोई नहाने का टाइम है, अभी मत करो। तो अभी हमारे गौर मंडल प्रभु एक एक स्पॉट जहाँ जहाँ क्या क्या लीलाएं हुई थी वहाँ रुका रहे हैं, कीर्तन हो रहा है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। A to Z पॉइंट अगर आप लोगों को देखना है, जानना है, तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा। एक ब्लॉग में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो?
तो हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको बेसिक ओवरव्यू एक ग्लिम्स दिखाएंगे। भगवान के परम भक्त थे, लेकिन तीसरे भाई जो है वो भगवत धाम को जल्दी प्रवास कर जाते हैं। तो लाइव फ्रॉम वृंदावन अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक भक्त का चश्मा चुरा लिया है बंदर महाराज ने, काफ़ी लोगों के मोबाइल भी चुराए। अब हमको वीडियो निकालने में डर लग रहा है कि हमारा मोबाइल भी लेकर न चले जाए। और यहाँ पे वृंदावन के बंदरों की खास बात है, उनको केला लस्सी कुछ भी दे दो फ़र्क नहीं पड़ता है, दे वॉन्ट ओनली फ्रूटी। अब यहाँ पर हमारे अरुण प्रभु उनको फ्रूटी देंगे, देखते हैं कोशिश नाकाम होती है या सफल रहती है। क्या बात है एकदम सफल कोशिश। हरि बोल हरि बोल। तो वहां पर इसी स्थान पे बैठ के जप किया करते थे शिवजी के पेड़ के नीचे। तो क्यों ये स्थान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर जप किया करते हैं? वृंदावन में आनंद ही आनंद है, आपको जरूर आना चाहिए नेक्स्ट ईयर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 हरे। तो हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं हमारे विघ्नेश प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु थक गए हैं कि नहीं? नहीं प्रभु, अभी तो और बाकी है। अरे प्रभु अभी हम थक गए, आप क्यों नहीं थके भाई? अभी तो गोवर्धन बाकी है, आखिरी दिन पे लास्ट। सो हमने जहाँ से परिक्रमा शुरू की थी उसी स्पॉट पे हम वापस से आ गए हैं। तो हमारी परिक्रमा होती है पूरी, अभी यहाँ पे दंडवत कर रहे हैं वृंदावन की पावन धरती को। और रास्ते में केशी घाट के बाद हमने काफ़ी कम शॉट्स लिए, हम वहाँ पे चैंटिंग करते हुए हमारा परिक्रमा पूरा किए। रास्ते भर में बहुत सारे जगह पे लोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वृंदावन में कोई भूखा नहीं रह सकता ये बात तो साबित हो गई है। बहुत सारे बंदर्स थे जो लोगों के मोबाइल चश्मे चोरी कर रहे थे, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिली। अभी हम चल रहे हैं कृष्ण बलराम के मंदिर की तरफ, आइए हमारे साथ।
देखेंगे तो चपाती है, ओवरलोडेड सब्जी है आलू और वटाने की, थोड़ा सा अचार है, मटर, हम मराठी हैं तो हम वटाने बोल रहे हैं, राइस दाल और ये गर्मा गर्म दूध, मसाला दूध। और यहाँ पे हमारे साथ में हमारे रवि भैया, रवि किशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने ऐसी परिक्रमा करी वृंदावन में कि फॉग पूरा खत्म हो गया, कृष्णा की कृपा है तो इस ब्लॉग को खत्म कर दिए हैं। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे खत्म। धीरज प्रभु ने पहना है हुडी, उसका कलर है काला, लेकिन आपको नीचे एक बटन मिलेगा। लेकिन भाई फिर से इस ब्लॉग को नहीं देना है पूर्ण विराम, बोलो जय श्री राम। धीरज प्रभु के लिए मेहनत करके मैंने ब्लोवर से यहाँ तेल लाया है। प्रभु आपको पता है ये जो ब्लोवर था ना, हम लोग रात को सोते टाइम पे इतने शाणे हैं, पूरा पहले बिस्तर को हम लोगों ने ब्लोवर से गर्म किया, उसके बाद हम लोग सोए। हरी बोल प्रभु, क्या इतनी सी बात, ब्लोवर से बैठ गर्म किया आपने, आप क्या किए? इधर देखो, अरे बाप रे, ये कौन लाया है? ये हम लाए, अब स्त्री लाओ, सच्ची सच्ची।